मध्य प्रदेश बीजेपी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और स्पीकर को नोटिस किया था जारी। आज 10:30 बजे होगी सुनवाई। तत्काल फ्लोर टेस्ट करवाने को लेकर दाखिल की गई है याचिका। बीजेपी का दावा, कमलनाथ सरकार के पास नहीं है बहुमत। मध्य प्रदेश के सियासी घमासान के बीच आज शाम 4 बजे सीएम कमलनाथ ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। आज सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट को लेकर राज्य सरकार को दे सकता है कोई निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष को लेकर भी कैबिनेट में हो सकती है चर्चा। राज्य के बजट पर भी फैसला ले सकती है कैबिनेट। कांग्रेस के 22 विधायकों के त्याग पत्र के बाद से कमलनाथ सरकार फंसी हुई है मुश्किलों में। भारत में कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला तेज। अब तक 125 लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि। 3 लोग कोरोना के चलते गंवा चुके हैं जान। सरकार ने तेज किए एहतियात के उपाय। अधिकांश सरकारी विभागों में कर्मचारियों को उपस्थिति से दी गई छूट। प्राइवेट कंपनियां भी घर पर ही रहकर काम करने का दे रही है विकल्प। मंदिरों पर भी देखने लगा कोरोना का असर। शिरडी त्र्यंबकेश्वर अशोकनापुर मंदिर भक्तों के लिए हुए बंद। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती रोकी गई। 15 अप्रैल तक बंद रहेगा हिमाचल प्रदेश का मुख्य तिब्बती मंदिर। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ने सभी कर्मचारियों को मास्क पहनने और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का दिया निर्देश। भक्तों के लिए बंद हुए बड़े मंदिरों के दरवाजे। आज से यूरोपीय देशों के यात्रियों के भारत आने पर लगा प्रतिबंध। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जारी किया सर्कुलर। कोरोना को लेकर लिया गया फैसला 31 मार्च तक के लिए लगाया गया यात्रा प्रतिबंध। पूरा यूरोप कोरोना वायरस से है प्रभावित। आज से दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल को रखा जाएगा बंद। कल देश के 143 धरोहरों और स्मारकों को भी कोरोना से बचाव को लेकर बंद रखने का लिया गया था फैसला। फैसले पर आया संस्कृति मंत्रालय का बयान, कहा जरूरी था बंद करना। 31 मार्च तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगी देश की अधिकांश इमारतें। लोग दूर से ही कर सकेंगे इनका दीदार। यस बैंक की ओर से ग्राहकों के लिए राहत भरा दिन। आज शाम 6 बजे से खत्म हो जाएगी 50,000 निकासी की तय सीमा। ग्राहक निकाल सकेंगे मनचाही रकम। बैंक ने ट्वीट कर दी जानकारी। पहले आरबीआई के निर्देश पर यस बैंक में निकासी की सीमा की गई थी तय। बैंक के पूरे बोर्ड को किया जा चुका है भंग। आरबीआई बैंक के लिए कर चुकी है प्रशासक की नियुक्ति। आज वित्त मंत्रालय करेगा 25,000 करोड़ रुपए के ट्रेजरी बिलों की नीलामी। 3 चरणों की नीलामी से 75,000 करोड़ रुपए जुटाएगी सरकार। आज के अलावा 24 और 30 मार्च को भी होगी नीलामी। आज सैमसंग लाएगी अपना गैलेक्सी M21 स्मार्टफोन। 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरे के साथ होगी 6000 mAh की बैटरी। 4G वोल्ट वाईफाई ब्लूटूथ और GPS जैसे फीचर्स से होगा लैस। वहीं 20 मेगापिक्सल का होगा सेल्फी कैमरा। 13,999 होगी कीमत। आज उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश का अनुमान। प्रदेश के इटावा, कन्नौज, कानपुर, कांशीराम नगर, खीरी, लखनऊ, रायबरेली, रामपुर और उन्नाव में हो सकती है बारिश। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला, शहडोल, जबलपुर, उमरिया, दामोह में भी बारिश का अनुमान। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और बिलासपुर में भी बारिश की संभावना।